मैंने कहीश स्वाध्याय आगना बे एक्जाम्पल गणाया बीजो और चौथो एक्जाम्पल जो आ एक संक्षेपित समतल है एक संक्षेपित समतल है एक तार बताए तार में आ दक्षिण दिशा है उत्तर है प्रवाह कई तरफ जाए दक्षिण की उत्तर तरफ 50 एंगल तो तार थी 2.5 मीटर अंतरे चुंबकीय क्षेत्र से तुम तरत पर अति लाबा तार थी अमुक अंतरे चुंबकीय क्षेत्र तरत आंसर मिली जैसे आपने लिखी दी थी अति लाबा तार नानी दे मण को चुंबकीय क्षेत्र सूत्र सुधा जो न्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर की बन गए 4 पाई × 10⁻¹ प्रवाह कितना है 50 एम्पीयर 2 पाई नीचे गए 2 पाई और आर की कीमत 2.5 मीटर है ओके तो तुमने चुंबकीय क्षेत्र मिली जैसे एनो आंसर लगभग आशे 4 × 10⁻¹ टेस्ला कितना आशे 4 × 10⁻¹ टेस्ला पर दिशा साथी चर्चा करो जो तब जो है तुम्हारा प्रवाह आ तरफ जाए तो अंगूठ को प्रवाह की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र क्या दिया अहियाँ की शुद्ध है बाहर निकल અને અહીંયાથી આમ એન્ટર થાય તો એ બહાર નીકળે ને ત્યાં ડોટ બતાવે આ ડોટ થાય અને અંદર જાય ત્યાં શું બતાવવું પડે ક્રોસ તો બતાવી દેવાનું બરાબર આ ડોટ ને ક્રોસ નું ચિહ્ન બતાવી દેવાનું તો અહીંયા પી બિંદુ આગળ તમે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કઈ તરફ જાય છે આ બરાબર તો પી બિંદુ આ બાજુ લીધું એવું આ બાજુ લઈ ગયું એવું ક્યાં કીધું હતું બુકમાં કે તમારે આ બીજું આ બાજુ લેવાનું ટૂંકમાં કશું નક્કી ના કહી શકીએ આપણે અહીંયા બરાબર ફિક્સ ના કહી શકીએ કઈ બાજુ હશે તો ટૂંકમાં તમે એટલું કહી શકો तो अहिया प्रवाह ऊपर की तरफ जो है दक्षिण की उत्तर तरफ तो अहिया पी बिंदु आ बाजू हो तो प्रवाह आ रीते मलाजन तरफ बराबर तो अहिया आप कही सकिए कि आकृति में प्रवाह की दिशा बताएगी है कारण आप फिक्स ना कही सकी प्रवाह कई तरफ हे फिक्स तब ना कही सको कारण पी बिंदु आ बाजू लो छो आ बाजू ये शू खबर है बुक अंदर रकम में आपने क्या कीधु पी बिंदु कई तरफ लेवा हो तो फिक्स कही सकिए अदरवाइज आप कही सकिए तो तब बुक में आटल लखी और चिन्ह बताई रहना बराबर चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन तो तकलीफ नहीं पड़ा ओके स्वाध्याय चौथे नंबर एक्जाम्पल जो एम अँ आ रीतने सुरेख तार आपेलो बराबर और आ पूर्व दिशा है पश्चिम है प्रवाह कई तरफ जाए पूर्व की पश्चिम 90 एम्पीयर और तमने एवं कीधु अधो दिशा में अँ फिक्स कह दिशा आपेली है तार की अधो दिशा में पी बिंदु अँ तार कई बाजू लेवा पी बिंदु नौ कीधु पर अँ कीधेलो आज पी बिंदु है ये बेसिकली कई दिशा में लेवा कीधु अधो दिशा में कीधेलू तो तब अँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की चर्चा कर सको अँ थी सको क्या ओके तो अधो दिशा में बेसिकली आ तार की अधो दिशा में 1.5 मीटर अंतरे चुंबकीय क्षेत्र शो तो तुम प्रश्न तो आ रीते आ अति लांबा तार लीधे मत चुंबकीय क्षेत्र सूत्र क्लियर है बी इज इक्वल टू न्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर ओके न्यू जीरो की जगह 4 पाई × 10⁻¹ प्रवाह है न्यू एम्पीयर 2 पाई की जगह 2 पाई आर की जगह 1.5 लिखी देशो એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર તમને મળશે 1.2 × 10⁻¹ પણ કઈ તરફ એ ઓકે ઉપર છે તમારે બરાબર તો તમે વિચારો આ પૂર્વ છે આ પશ્ચિમ છે તો આ દિશા ઉત્તર હશે અને આ દિશા દક્ષિણ હશે આ પ્રવાહ આ તરફ જાય છે તો પ્રવાહની દિશામાં અંગૂઠો રાખો આ દિશામાં પ્રવાહ જાય છે ને તો આ રીતે મળ્યો આ રીતે અંગડિયા બદલી તો આ દિશા એટલે તમે વિચારો આ રીતે લો પ્રવાહ તરફ જાય છે આ દિશા કઈ થાય ઉપરની ઉત્તર થાય છે પ્રવાહ અંગૂઠાની દિશા આ ઉત્તર તો નીચે કઈ દિશા દક્ષિણ તરફ લખીએ તેમજ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण तरफ की आपकी वस्तु क्लियर करवा अँ डिफरस आटलो पड़े अँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतावी पड़े जहाँ अँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फिक्स ना कई ना पी बिंदु कई तरफ लेवा फिक्स नहीं जरा अँ फिक्स तो अधो दिशा दक्षिण तरफ हो तो बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण तरफ की सीम्पल एक्जाम्पल है ओके आई होप कि तुम सॉल्व कर सको जो आ बड़ा एग्जांपल आप सॉल्व करवाना से याद रखो बराबर पांच को कर सके छठो कर सके सातमो आठमो हां बड़ा एग्जांपल सॉल्व कर सके छे तो आप वन बाय वन एग्जांपल लेसु ओके नेक्स्ट एग्जांपल तरफ जाइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।